गुरु जी, आजकल के टाइम में स्कूल में किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? हमारे देश की शिक्षा किस प्रकार, प्रणाली किस प्रकार की होनी चाहिए? देखिए, हमारा देश आज की तारीख में सबसे ज्यादा बेरोजगारी से जूझ रहा है। हम सब लोग बेरोजगारी से बेहद परेशान हैं। क्वालिफिकेशन होने के बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि हमें अहंकार हो गया कि हम इतने क्वालिफाइड हैं, अब हम छोटा काम नहीं कर सकते। ये सब चीजें बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। हमारे पास पैसा नहीं है, हम बिजनेस नहीं कर सकते, तो हम छोटा काम कर नहीं सकते। पैसा है नहीं तो बिजनेस हम कर नहीं सकते। हम ग्रेजुएट हैं या हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो हम छोटा काम करेंगे। तो हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है क्यों जो रोजगार नहीं दे पा रही है या बिजनेस करने की और उनको आगे नहीं बढ़ा पा रही है? अरे भाई, जब 10th में आप पढ़ाते हैं, हमारे लिए शिक्षा मंत्री हमारी बात सुन रहे होंगे या हमारे देश के कर्ता धर्ता हमारी बात सुन रहे होंगे, जब हमारे बच्चा स्कूल में 10th क्लास में जाता है और क्लास में मार्क्स लेके आ रहा है 35%, तो 35% वाले का मतलब क्या है? उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा। अरे ऐसे बच्चों को जो 35-40% 45% लाते हैं, अगर हम उनको शुरू में ही 10th के बाद ऐसी एजुकेशन दें जिससे वो रोजगार की तरफ उन्मुख हो सके, ना कि हम किताबी पढ़ाई पढ़ाए। 10th की बेसिक पढ़ाई ठीक है, बुरा भाग आ जाएगा, उसे समझ आ जाएगी दुनियादारी की, लेकिन 10th के बाद अगर वो ऐसी शिक्षा हमारे स्कूलों में दी जाए जिससे उसे रोजगार मिल जाए, चाहे प्लम्बिंग सिखाई जाए, चाहे इलेक्ट्रीशियन बनाया जाए, चाहे मोटर वाइंडिंग का काम सिखाया जाए, चाहे वेल्डिंग का काम सिखाया जाए, चाहे कारपेंट्री का काम सिखाया जाए, या बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग छोटी छोटी यूनिट लगाने का काम सिखाया जाए, चाहे वायरिंग वर्क सिखाया जाए, चाहे पीसीबी बोर्ड्स बनाने का काम सिखाया जाए, चाहे बहुत सारी चीजें। देखिए, हमारे देश में कितना पानी वेस्ट होता है, टंकियां ओवरफ्लो करती है, पानी वेस्ट होता है। मतलब हमारे देश का, सच बताऊं तो, आधा पानी, पीने का पानी नालियों में चला जाता है। अरे हम एक छोटी सी मोटर जो केवल 6-7 हजार रुपए में लग सकती है, और अगर उसे हम बड़े स्केल पर बनाए तो 2-3 हजार रुपए में एक छोटा सा पीसीबी बोर्ड बनेगा। उस बोर्ड को लगा के हम एक बूंद पानी भी हमारी टंकी ओवरफ्लो नहीं करेगी, हर घर में उसकी जरूरत है। तो हमारी सरकार वो क्यों नहीं बच्चों को शिक्षा देती कि ये बना लो बेटा, हम ये क्लास में बनाना सिखाएंगे, हर घर में लगा दो, हर घर में इसकी जरूरत है, तो पानी की वेस्टेज भी बचेगी और पता नहीं हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि पूरे देश के हर घर की हर टंकी में वो लग रहा है। और आज की डेट में एक एक घर में छोटे छोटे फ्लैट होने की वजह से 6-6 टंकियां उनकी छतों पर रखी हुई है। मेरे खुद के घर में लगी हुई है, मैंने आज से 6 साल पहले लगवाई थी, बहुत बढ़िया काम कर रही है। एक बूंद पानी, ना तो मोटर ऑन करने के लिए सुबह उठना है, ना ऑफ करने के लिए उठना है, अपने आप ऑन होगी, अपने आप ऑफ हो जाएगी, टंकी पूरी फुल हो जाएगी जैसे ही पानी आएगा। और एक बूंद सरकारी पानी जो मीठा पीने का पानी है वो वेस्ट नहीं होगा। ऐसी हजारों शिक्षाएं दे सकते हैं हम 10th के बाद बच्चों को, हजारों चीजें पढ़ा सकते हैं ताकि वो बच्चा एक व्यापारी बन जाए, मैन्युफैक्चरर बन जाए। और तमाम हजारों तरह की चीजें हमारे चाइना में, हमारा पड़ोसी मुल्क जो चाइना है, उसमें 55-58 हजार तरह की इस तरह की क्लासेज होती है। बच्चों को योग्य बनाया जाता है ताकि वो शुरू से ही देश के विकास में काम आए और दूसरे लोगों को एक्सपोर्ट कर सके। तो आज की डेट में दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर मुल्क चाइना है। अगर जनसंख्या हमारी चाइना से ज्यादा है, मगर हम अपने बच्चों को कुछ ऐसी शिक्षा ही नहीं दे पा रहे हैं जो बच्चे काम कर सके, अपना खुद का काम कर सके, क्योंकि इन सब चीजों में बड़ी लागत नहीं आएगी, बहुत छोटी छोटी लागत में ऐसी चीजें बन जाती है। वो 10-20 हजार से ही बिजनेस शुरू कर सकता है और 10-20 हजार को बैंक को उससे गवर्नमेंट लोन दिलवा सकती है, और ऐसे छोटे छोटे बिजनेस खड़ा करने के लिए। पता नहीं क्यों नहीं सोचते हमारे देश के तरणधार, क्यों नहीं सोचते हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, कि हम ऐसा काम करें, अपने बच्चों को रोजगार उन्मुख शिक्षा दें। 10th के बाद ये मस्ट होनी चाहिए। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो 70% से ऊपर ला रहे हैं, उनको दूसरी तरफ ले जाइए, पढ़ाई लिखाई की तरफ ले जाइए, क्लरिकल बनेंगे, IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे। लेकिन 35% वाला बच्चा इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनेगा। तो वो बच्चा जो गरीब घरों का है, जिनके माँ बाप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उन बच्चों को रोजगार उन्मुख बनाना सरकार का ही काम है, किसी और व्यक्ति का काम नहीं है। हमारी सरकार, हमारे देश के कर्ता धर्ता इस काम को करेंगे तो हमारे देश का 4 गुना विकास होगा। आज वो हमारे हमारे GST की बात करते हैं कि 1 करोड़ के वो 1
1,03,000 करोड़ की जीएसटी आई है पिछले महीने, अरे तब 10,00,000 10,00,000 करोड़ की जीएसटी हर महीने आएगी और हमारे देश का वो कितना विकास होगा उस सबसे। कोई स्कूल नहीं खोलने, कोई क्लास नहीं, उन्हीं क्लास रूमों में ये सब कुछ हो सकता है जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग क्लासरूम है। शाम की क्लास में हो सकता है, रात की क्लास में हो सकता है, कभी भी क्लास लगाई जा सकती है। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, चांद पर पहुंच सकते हैं, मंगल पर पहुंच सकते हैं, अपने बच्चों को रोजगार नहीं दे सकते। अरे कुछ तो करो देश के नेताओं, कुछ तो करो भाई, ऐसा कर दो जिससे देश आपका आजीवन नाम लेता रहे कि आपने किया था, आपकी वजह से ये शिक्षा प्रणाली लागू हुई और आज हम चाइना को टक्कर दे पा रहे हैं। बातों से नहीं, प्रैक्टिकली हम भी सेकंड नंबर के एक्सपोर्टर बन गए और कुछ दिनों बाद हम चाइना को पछाड़ के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर, बड़े एक्सपोर्टर हम हो जाए। आज हम इम्पोर्टर ही बने रहने में खुश है। जय शनिदेव। आप बिना किसी झिझक के शुक्रवार के दिन शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में जो जनता दरबार लगाया जाता है सुबह 11 बजे से, उस जनता दरबार में आकर मुझसे मिलकर अपनी सभी प्रकार की परेशानियों के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऐसे उपाय जान सकते हैं जो करने तो साल में सिर्फ एक बार होते हैं मगर पूरी साल फायदा देते हैं, या करने तो 3 साल में एक बार होते हैं मगर पूरे 3 सालों तक आपको फायदा देते रहते हैं। तो ऐसे उपाय वैदिक एस्ट्रोलॉजी के वो उपाय हैं जिन्हें आप करिए और भूल जाइए। आपको रोज रोज कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, गाय को चारा देने की जरूरत नहीं है, पक्षियों को दाना खिलाने की रोज कंपल्सरी वाली जरूरत नहीं है। खिलाएं बहुत अच्छी बात है, आपको सभी का ख्याल रखना चाहिए, भगवान ने आपको समर्थ बनाया है, मगर आप उसके लिए बाउंड नहीं है कि आपको रोजाना ही खिलाना है, इतने बजे निकल के आपको उनको चारा डालना है। तो ऐसी किसी बाउंडेशन से मैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मुक्त करता हूं। तो फिर देर किस बात की है, आप आने वाले शुक्रवार को सुबह 11 बजे हमारे शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली आकर हमसे मिल सकते हैं और अपनी परेशानियों का उपाय जान सकते हैं। किंतु यहां आने से पहले एक बात का अवश्य ध्यान रखिए, जो भी व्यक्ति अपनी यहां पर परेशानी के लिए उपाय जानने आएगा वो भगवान शनि देव के लिए 5 अलग अलग तरह की 250-250 ग्राम यानी टोटल मिला के 1.25 किलो मिठाई अवश्य लेके आएगा, हर व्यक्ति जिसे अपनी परेशानियों के बारे में हमसे चर्चा करनी है। इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जो लोग शादी योग्य हो गए हैं या जिनके बच्चे शादी योग्य हो गए हैं, तो हमारे शनिपीठ मंदिर की जो वेबसाइट है marriagebiodata.app जो स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रही है और उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको अवश्य मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी पसंद के अनुसार एक खूबसूरत सा बायोडाटा बना सकते हैं और उस बायोडाटा के बल पर एक खूबसूरत सा जीवन साथी प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। तो बिल्कुल भी देर मत करिए, अगर आप शादी के लिए परेशान हो रहे तो एक खूबसूरत सा बायोडाटा अवश्य बनाइए। जय शनिदेव। मैं विकास, बिहार का रहने वाला हूँ, मैं नोएडा में जॉब करता हूँ और मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित था, बहुत परेशान था, हमने बहुत सारे इलाज करवा लिए थे, मेरा स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था और जाके गुरु जी से मिला, उन्होंने मुझे बाजू बंद करने की सलाह दी और बोले कि धीरे धीरे करके तुम्हारा जो समस्या है वो टलता रहेगा। मैं आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ। जय शनिदेव।